पहला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 63 गुणे 3 की पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले एक बात नोटिस कर लीजिए, अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक यानी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 तो इस केस में इकाई वाला अंक वही संख्या आएगी। यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जैसे देखिए, जैसे अगर 10 10 की पावर है 63 तो इसमें इकाई वाला अंक कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इकाई वाला अंक क्या है, 0 है। जैसे दूसरा देखिए, 11 की पावर 1331 तो इसमें इकाई वाला अंक 1 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए, 15 15 की पावर 37 तो इसमें इकाई वाला अंक क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इकाई वाला अंक इसमें क्या है, 5 है। जैसे इसमें देखिए, 576 के पावर 123 अब इसमें देखिए 6 है इकाई वाला अंक तो इकाई वाला अंक 6 आएगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि इकाई वाला अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो इकाई वाला अंक जो है वही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो आप लोग ढूंढिए 0, 1, 5, 6 किसी संख्या में है तो आपको मिलेगा यहाँ पे है 6 की पावर 63 है, तो यानी इसमें 6 है। ठीक है, इसमें क्या है, 6 की पावर 63 है तो इसमें संख्या क्या है, 6, तो यानी एक ही अंक है, यानी इकाई वाला अंक 6 है तो इसमें इकाई का अंक 6 आएगा, तो इसमें तो आ गया इकाई का अंक 6। अब बचा क्या है, 7 की पावर 71 3 की पावर 65। अब देखिए कैसे करेंगे, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो घात दी गई है 71 65 इनमें आप लोगों को 4 से भाग कर देना है। 71 दिया गया है 65 इनमें आप लोगों को 4 से भाग कर देना है। इसमें भाग करेंगे तो आपका शेषफल आएगा 3, आप लोगों को शेषफल ध्यान देना है। इसमें भाग करेंगे तो शेषफल आपका आएगा 1। अब आप लोगों को इसी शेषफल को घात के रूप में लिख देना है। 7 की पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि 3 शेष आया था, यहाँ पे तो 6 आ चुका है, बीच में 6 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 3 की पावर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 शेषफल आया है। अब इन्हीं का गुणा निकाल गुणा कर देंगे, 7 की पावर 3 343 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3। ठीक है, अब आप लोगों को चाहिए इकाई वाला अंक, इकाई वाला अंक चाहिए तो बस इकाई वाले अंक का गुणा कर दीजिए, 3 × 6 × 3 3 × 6 × 3 3 × 3 = 9 × 6 = 54 तो 54 में इकाई वाला अंक क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4, आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, फिर से देखिए, 7 की पावर 71 × 6 की पावर 63 × 3 की पावर 65 है तो इसमें तो आपको पता हो जाएगा 6 आएगा इकाई वाला अंक। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे 65 में, यहाँ पे 71 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से जब भाग करेंगे 71 में तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा और यहाँ पे 65 में 4 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 7 की पावर 3 343 × 6 × 3 ठीक है, इनमें इकाई वाला अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इकाई वाले अंक का गुणा करेंगे 3, 6, 9, 54 में इकाई वाला अंक 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से विभाजित, 400 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से कट जाएंगी। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लीजिए, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 210। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 210 का मल्टीपल लिख देना है, पहला मल्टीपल तो 210 ही आएगा, दूसरा मल्टीपल 210 × 2 ठीक है, 210 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 420 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 0, 630, 4 का गुणा करेंगे 400 × 0, 4, 8। अब जो 4 का गुणा करेंगे तो ये आपका ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आपको 400 और 700 के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये 400 से कम है तो आपका कितना होगा, 420 630, यानी दो ही ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7 से कट जाएगी। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे हल करेंगे, ट्रिक से देखिए, 5, 6, 7 आपने एलसीएम निकाला, इसका क्या आया, 210। आप उन लोगों को फाइंड करना है 400 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7 से कट जाएंगी, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इस 210 से इसमें भाग कर दीजिए और इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें भाग करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। अब आप लोग कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे जो तीन आया है एक आया, इसका डिफरेंस बस ले लेना है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, दो का डिफरेंस आएगा, तीन माइनस एक दो डिफरेंस आएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो दो आएगा। तो कितनी ऐसी संख्याएं बनेंगी, दो, उस प्रकार भी दो आएगा और इस प्रकार भी दो आएगा, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर 40 प्लस 8 की पावर 40 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो घात दी गई है 40, अगर यहाँ पे घात अगर सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है तो उसको बना लेंगे 2 या तो 4, ठीक है। अगर घात में अगर विषम संख्या है, ठीक है, तो उसको बनाएंगे 1 या 3, ठीक है। अगर पावर में सम संख्या है तो उसको बना लेंगे 2 या 4, अगर विषम संख्या है तो उसको बनाएंगे 1 या 3, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है तो उसको 2 या 4 बना लेंगे। तो 6, अब इसको मान लीजिए इसको 2 बनाना है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग 4 भी लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64 100। अब यहाँ पे क्या आ गया, 100, 100 को 10 से जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर से देखिए, 6 के पावर 40 है, 8 के पावर 40 है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक है हल करने की, इसकी यहाँ पे जो घात दी गई है अगर वो सम संख्या है तो उसको 2 या 4 बनाना है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये 100 आएगा, अब इसको भाग करना है 10 से तो शेषफल क्या बचेगा, 0, ठीक है। ये है आपका तीसरा। जैसे चौथा क्वेश्चन देखिए इसी पे है, चौथा क्वेश्चन देखिए, 31 की पावर 137 26 की पावर 137 इसको डिवाइड करना है 57 से, आपका शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे विषम संख्या है, 137 जो है विषम संख्या है, अब इसको क्या बनाएंगे, 1 या 3 बना लेंगे। तो 31 की पावर 1 लिख दीजिए, आप लोग 3 भी लिख सकते हैं, 26 की पावर 1, ठीक है। तो 31 की पावर 1 31 ही आएगा, 26 की पावर 1 26 ही आएगा, 31 प्लस 26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 57। अब 57 को 57 से ही भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा, तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 0। तो इसका ऑप्शन डी सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सब क्लियर हो जाएगा इसमें। जैसे पांचवा क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 36 - 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 2 के पावर 36 - 1, अब यहाँ पे 36 क्या है, सम संख्या है, अब यहाँ पे 36 क्या है, सम संख्या है, जब सम संख्या है तो इसको क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे या तो 4 बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बनाते हैं तो 2 के पावर 2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 1, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 में 7 से भाग करेंगे, 7 का भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो अब इसको 4 बना लेंगे, ठीक है, 2 के पावर 4 - 1, ठीक है। तो 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, 16 - 1 इसका मान आएगा 15, 15 आ जाएगा, अब 15 में डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, 15 में 7 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, ठीक है, यानी इसमें आपका शेषफल क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर छः देखिए, ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा गया है। यदि 2, 7 and 4 11 से विभाजित होता है तो n का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, 11 से विभाजित, आप लोग जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जैसे 1, 3, 3, 1, अब ये 11 से विभाज है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, देखिए 1, 3, 3, 1, तो आपको इसमें ध्यान देना है ऑड पोजीशन इवन पोजीशन, यानी विषम स्थान पर कौन सी संख्या है और सम स्थान पर कौन सी संख्या है। तो ये देखिए, ये है इसकी ऑड पोजीशन, ठीक है, और ये है इवन पोजीशन, मतलब कि विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, 1 + 3 है, यहाँ पे देखिए सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, 1 + 3 है, यहाँ पे भी 4 आएगा जोड़ेंगे तो, यहाँ पे भी 4 आएगा जोड़ेंगे तो, अब इसका और इसका अंतर जो है 0 के बराबर होना चाहिए, या तो अंतर जो आएगा वो 11 से कट जाना चाहिए, तब आपकी संख्या जो है 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें 0 आ रहा है, यानी 1, 3, 3, 1 11 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, 7 and 4, ठीक है, ये है 4 और 7 विषम स्थान पे हैं, 7 + 4 और n 2, ये दोनों क्या हैं, सम स्थान पे हैं, अब इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो ऐसा अंतर होना चाहिए जो 11 से कट जाए,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यहाँ पे n प्लस 2 है। अब n का मान क्या रख दें कि दोनों का अंतर 0 हो जाए, n का मान अगर 9 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, इधर भी 11 और इधर भी 11, 11 माइनस 11 0 आएगा, ठीक है। तो यानी संख्या 11 से कट जाएगी, तो n का मान क्या रखेंगे 9, तो इसमें आपका आंसर 9 सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, जब पूर्णांक n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, जब 7n को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, इसे आप लोग 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, 7n को 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n का मान बस आप लोगों को कुछ रखना है, n का मान आप लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे जो शेषफल रहेगा वही n का मान रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, जब पूर्णांक n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अब इसमें जो शेषफल है उसी को n की जगह रख देना है, यहाँ पे क्या है 7n, 7n है तो 7 गुणे 3 लिख दीजिए। अब इसको 11 से विभाजित कर दीजिए, क्या आएगा आपका 7 त्रिक का 21, 21 में 11 से भाग करना है तो एक बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 10 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए इसी पर, जैसे 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, जब एक संख्या a को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि a के घन को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे a का घन है यानी a का क्यूब, इसको 13 से विभाजित करना है। अब a के स्थान पे क्या रखेंगे, जो यहाँ पे शेषफल रहेगा। जब एक संख्या a को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, अब इसी 3 को a के स्थान पर रख देंगे, 3 का क्यूब 13, तो 3 का क्यूब आपका आएगा 27, 13 27 में 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26 यानी एक शेषफल बचेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इसी प्रकार हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में कौन सी संख्या 13 की पावर 51 प्लस 13 की पावर 52 प्लस 13 की पावर 53 को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दिया गया है आपको 13 की पावर 51 13 की पावर 52 प्लस 13 की पावर 53, ठीक है। अब पूछा गया है इसे कौन सी संख्या पूरी तरीके से विभाजित करेगी, आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 4 ऑप्शन, कौन सा आपका सही है, देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 के पावर 51 13 के पावर 52 13 के पावर 53, तो इनमें सभी में मिल जाएगा आपको 13 के पावर 51 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 13 के पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर 13 के पावर 2 बचेगा। देखिए कैसे, 13 के पावर 52 है, ठीक है। अब इसमें इसे लिख सकते हैं 13 के गुणे 51 गुणे 13, अब जब 13 के पावर 51 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 13 बचेगा। इसी प्रकार 13 के पावर 53 है, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 13 के पावर 51 गुणे 13 के पावर 2, ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा 13 के पावर 2, तो सेम यहाँ पे, ठीक है, 13 के पावर 51 कॉमन हो गया, 1 बचेगा, 13 के पावर 1 बचेगा, 13 के पावर 2 बचेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस 13, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, ये हो जाएगा 13 के पावर 51, इसको जोड़ दीजिए 169 170 170 में 13 जोड़ेंगे 183 आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 183 गुणे 13 के पावर 51 ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब देखिए इसमें क्या है 183 का गुणा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 183 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, तो यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, नंबर 10 देखिए, 2467 के पावर 153 गुणे 341 के पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। अगर आप लोगों को बस सिंपल से दिया होता 2467 गुणे 341, तो इसमें इकाई का अंक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इकाई का अंक मतलब इकाई वाले अंक का गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 7, तो इसमें इकाई का अंक आ गया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पावर में दी गई है 153 और दिया गया यहाँ पर 72, तो देखिए अब इसे कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, एक है, तो यहाँ पे तो इकाई वाला अंक एक आएगा, आप लोगों ने पीछे भी पढ़ लिया है, बस आप लोगों को यहाँ पे हल करना है।
यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 153 है, 153 में सबसे पहले आप लोग 4 से भाग कर देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, 7 आएगा, सॉरी शेषफल आपका 1 आएगा। यहाँ पे 153 में 4 से भाग करेंगे शेषफल आपका 1 आएगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इकाई वाला अंक क्या है, 7, 7 के पावर 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे तो 1 से गुणा करेंगे क्योंकि इकाई वाला अंक 1 है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 7। ठीक है, फिर से देखिए 153 है पावर में, इसमें 4 से भाग करेंगे शेषफल आपका आएगा 1। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 2467 है यहाँ पे, इसके पावर 153 है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई वाला अंक क्या है, 7, 7 के पावर 1 लिख देंगे क्योंकि शेषफल 1 आया था, तो यहाँ पे तो 7 आएगा, और यहाँ पे आप लोग जानते हैं यहाँ पे इकाई वाला अंक 1 आएगा, तो 7 गुणे 1 7, यानी इकाई वाला अंक 7, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 100 से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, कक्षा 10 की सवाल है समांतर श्रेणी का, देखिए कैसे हल करेंगे। अगर आप लोग एक क्वेश्चन सीख गए तो इस पर आप लोग सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस टाइप के, देखिए कैसे हल करेंगे। 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग, तो 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 102 से शुरू होगा, 104 और लास्ट में आपका क्या आएगा, 198। ठीक है, यही आएगा, 100 और 200 के बीच सम संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, 102, 104, 106 और लास्ट में आपका आएगा 198। तो सबसे पहले आप लोग निकालना होगा 100 से 200 के बीच टोटल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो टोटल संख्याएं कैसे निकालेंगे, अब आप लोगों को ये लास्ट वाला पता है, लास्ट वाला पद पता है 198, तो लास्ट वाला पद यानी लास्ट अंतिम पद आप लोगों को पता है 198। अब ए एन का मान पता है आप लोगों को, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं एन का मान। डी आपका क्या है, आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, सर्वांतर होता है, यानी कितने का अंतर होता है, 102 और 104, 106 सभी में 2 का अंतर होगा। ठीक है, यानी डी का मान हो जाएगा 2। तो आप देखिए ए मतलब पहला पद तो 102 है, एन का मान निकालना है, डी का मान 2 रखेंगे, 198। ठीक है, इसे हल कीजिए, यहाँ से आएगा 102 2n माइनस 2 198, 102 माइनस 2 करेंगे 100 आएगा। ठीक है, 100 को 198 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 2n बराबर कितना आ जाएगा, 98, यानी n का मान क्या आ जाएगा आपका, 49। ठीक है, तो 100 और 200 के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, टोटल 49। अब आप लोगों का टोटल संख्या निकल गई। ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 49। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, अब निकालना है इनका योग, टोटल 49 संख्याएं हैं, उनका योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं, n by 2 a plus l, यही होता है, n का मतलब आया है आपका 49 बट्टे 2, ए मतलब पहला पद, एल मतलब लास्ट वाला पद 198, इसी को हल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 49 बट्टे 2, जोड़ देंगे 300 आएगा, काट देंगे यहाँ पे आएगा 150, 49 में 150 का गुणा कर देंगे, 15 नवा 135, 15 चौक को 60, 7350 आपका आ जाएगा योगफल। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग विषम संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आया है, 7350। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे, ये कक्षा 10 की सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब एक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, पीछे की तरह है एकदम, यहाँ पे 8n स्क्वायर प्लस 7 है, ठीक, n का मान क्या रखेंगे, जो शेषफल दिया रहेगा वही रखेंगे। ठीक है, तो 8 5 का स्क्वायर प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, 8 गुणे 25 प्लस 7। ठीक है, गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200, 200 में 7 जोड़ेंगे 207, तो 207 में 12 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 12 से भाग करना है, तो शेषफल आप लोगों का कितना आएगा, 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12 8 बचेगा। ठीक है, 12 सत्ते 84, यानी 3 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 3, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1331 की पावर 757, 1750 की पावर 153, 216 की पावर 27, 7085 की पावर 117 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
आप लोग जानते हैं 1, 0, 5, 6 किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर ये है तो उस केस में इकाई का अंक यही आएगा, ठीक है। पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो सेम संख्या है यानी इकाई का अंक यही आएगा। बीच में प्लस है, जो निशान है वही लगाइएगा, सबको जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 1, 12 12 आएगा, और 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। एक्स का मान दिया गया है, उसमें आप लोगों को बताना है एक्स का इकाई का अंक, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पे तो इकाई का अंक 6 आएगा, ये तो हल हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, 633 की पावर 24 है, 277 की पावर 38 है। अब आप लोगों को जो पावर में संख्या दी गई है उसमें 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है, ठीक है। 24 में 4 से भाग करेंगे तो आप लोगों का पूरा कट जाएगा, तो यानी शेषफल 0 बचेगा। अब यहाँ पे इकाई वाला अंक 3 है, 3 की पावर 0 लिख दीजिए, क्योंकि शेषफल 0 आएगा। माइनस, अब यहाँ पे 7 है, 7 की पावर क्या लिखेंगे, 38 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4, 9, 36, शेषफल 2 आएगा, तो 7 की पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे तो हल हो चुका है, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा इकाई वाला अंक, यहाँ पे 7 की पावर 2 है, 49 आएगा, तो इकाई वाला अंक लेना है बस, 9 आएगा, यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब देखिए 1, 6, 7 यानी 7 - 9 हो जाएगा, ठीक है, 7 - 9। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे 7 - 9 है, तो इसको आप 17 बना लेंगे, क्योंकि एक अगर उधार लेगा तो ये 17 हो जाएगा, अब 17 - 9 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में आपका शेषफल जो बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर 8 आएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हल करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, 7200 के गुणकों की संख्या याद कीजिए। अब गुणकों की संख्या मतलब जैसे अगर कोई संख्या 20 है, अब इसका आप लोगों को निकालना है इसमें इसके कितने गुणक हैं, ठीक है, मतलब कि ये 20 जो है 20 किससे किससे कट जाएगी, ठीक है, संख्या 20, ठीक है, 20 के गुणक मतलब 20 जो है किस किस संख्या से कट जाएगी वही उसके गुणक होंगे। जैसे 1 से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी और 20 से भी कट जाएगी, तो इसके कितने गुणक हो गए, 6 गुणक हो गए, ठीक है, तो इसके टोटल 6 गुणक हो गए। अब लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 7200। अब इसमें ज़्यादा आएगा तो उसको आप लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे, देखिए अब जैसे यहाँ पे 20 था, 20 कटेगा 1, 2, 4, 5, 10, 20, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसका, कर लीजिए अब आज गुणनखंड, 2, 2, 4, 5, 20। अब इसमें क्या क्या आया है, 2 बार आया है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 एक बार आया है, 5 की पावर 1। अब यहाँ पे जो 2 आया है एक आया, उसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2, 2 के घाते 2, तो इसे 2 + 1, 3 लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 आया है तो इसको 2 लिख देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे कितना आएगा, 6, तो यहाँ पे भी 6 आया है और इस प्रकार भी 6 आया है, ठीक है। जैसे फिर से देखिए, जैसे आपका है 100, इसके गुणक निकालना है आप लोगों को, ठीक है, 10 धाम में 100 होता है आपको, यानी 2 × 5, 2 × 5 यही होता है, यानी 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 2 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 3 लिखेंगे, 3 × 3 कितना आएगा, 9, यानी 100 के टोटल कितने गुणक होंगे, 9, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग निकालेंगे 7200 का गुणक, 7200 क्या है यहाँ पे, 7200, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 72 × 100, ठीक है, 72 को लिख सकते हैं 9, 8, 72, 100 को लिख सकते हैं 25, 4, 100, ठीक है, 9 आपका है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 8, 2 के घाते 3, 25, 5 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले 2 जगह आया है, 2 के घाते 3, 2 के घाते 2,
तो 2 की घाते 5 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है तो 3 लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 6 3 18 18 3 54, 18 में 3 का गुणा करेंगे आपका 54 आ जाएगा, यानी 7200 के गुणक कितने आ गए, 54, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।